हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास सिक्स के प्यारे बच्चों के लिए फिर से एक चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज एन फ्रैंक। एन फ्रैंक वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी रीड द इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन इट सेज, डू यू नो द टर्म हॉलोकास्ट? क्या आपको पता है हॉलोकास्ट क्या होता है? हॉलोकास्ट मीन्स होता है प्रलय, कयामत, यानी बहुत ही ज्यादा विनाश करने वाला, सब कुछ को समाप्त कर देने वाला अगर कोई डिजास्टर हो तो उसे हम लोग कहते हैं हॉलोकास्ट। एंड वेयर डिड इट हैपन एंड व्हाई डिड इट हैपन? साथ ही साथ इसमें स्टोरी के लिखने वाले ने आपसे ये भी पूछा है कि क्या आपको पता है ये हॉलोकास्ट हुआ कहाँ था एंड क्यों हुआ था, यानी इस हॉलोकास्ट की वजह क्या थी। लेट अस रीड अ चैप्टर दैट रिमाइंड्स अस अबाउट cruelty of German dictator Adolf Hitler and how did Anne Frank and her sister, daughter of a Jewish family, met a tragic death in Netherlands. Holocaust word ka real meaning hum samajh sakenge agar hum log is chapter ko padhte hain. Ye chapter jo ki hame yaad dilata hai German dictator Adolf Hitler ke krurta ke bare mein, और साथ ही साथ एन फ्रैंक और उसकी सिस्टर मार्गोट, ये दोनों जो कि एक जीविस फैमिली की बेटियां थी, कैसे उनकी मौत बेहद दुखद तरीके से नीदरलैंड नाम के प्लेस में हुई। इस पूरी स्टोरी को पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगेगा आखिर ये हॉलोकास्ट होता क्या है, कितना सारा विनाश इस हॉलोकास्ट में शामिल होता है। तब तक के लिए आप याद रखेंगे हॉलोकास्ट मीन्स प्रलय या फिर कयामत। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद छोटे बच्चों को यह तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में, और यह दुखद घटना इस दुनिया की इतिहास के पन्नों में, यह जो दुखद घटना है वो घटित हुई थी जर्मनी में, जर्मनी जहां का एडोल्फ हिटलर अपने तानाशाही की वजह से बेहद फेमस है, और उसके इस तानाशाही और उसके जो उल्टे सीधे फैसले थे, डिक्टेटरशिप था, उसकी वजह से किस तरह से एन फ्रैंक और उसकी एक सिस्टर जिसका कि नाम मार्गोट था, कैसे ये दोनों जो कि ज्यूस फैमिली के थे, उनका मौत बहुत ही दुखद तरीके से नीदरलैंड नाम के जगह पे हुआ, ये सारा कुछ हम लोग इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस चैप्टर ऑल्सो प्रेजेंट्स द यंग एन फ्रैंक्स डेथ इन राइटिंग दैट मेड हर फादर सरप्राइज्ड। साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ के हमें इस बात का भी एहसास होगा कि एन फ्रैंक के राइटिंग में उसकी राइटिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी थी, वो किस तरह से इमोशंस को बड़े आराम से लिख सकती थी और इंटरेस्टिंग तरीके से लिख पाती थी। दैट मीन्स उसके अंदर एक राइटर वाला स्किल था, जैसे कोई अच्छा राइटर अपनी कहानियों को लिखता है उसी तरह से एन फ्रैंक अब उसकी लाइफ में उस समय में जर्मनी में होने वाले हर एक घटना को उसने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है, उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है, और उसकी डायरी को पढ़ के आश्चर्य होगा कि ये छोटी सी लड़की इतनी कम उम्र में इतना अच्छा लिखना कैसे सीख गई। तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एन फ्रैंक वॉज बॉर्न टू ऑटो फ्रैंक एंड हिज वाइफ एडिथ ऑन June 12, 1929। एन फ्रैंक का जन्म ऑटो फ्रैंक और उनकी पत्नी एडिथ से हुआ था June 12, 1929 में। दे नेम्ड हर एनेलिस मैरी, और जन्म होने के बाद उस बच्ची का नाम रखा गया था एनेलिस मैरी। सी हैड अ सिस्टर मार्गोट हु वाज 3 ईयर्स ओल्डर टू हर। एन फ्रैंक की एक सिस्टर भी थी मार्गोट, जो कि एन फ्रैंक से 3 साल बड़ी थी। दे वर अ ज्यूइश फैमिली लिविंग इन जर्मनी, और ये कहानी है एक ज्यूइश फैमिली की जो कि जर्मनी में उस समय रहा करती थी। देयर फैमिलीज हैड लिव्ड इन जर्मनी फॉर सेंचुरीज, और उनका परिवार सैकड़ों वर्षों से जर्मनी में रहता आ रहा था। तो उन सैकड़ों वर्षों तक सब कुछ ठीक रहा। बाय 1932 एडोल्फ हिटलर हैड रिजन टू पावर इन जर्मनी एंड इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग अ डेमोक्रेसी द जर्मन पीपल वॉज नाउ जर्मन पीपल नाउ सफर्ड अंडर द रूल ऑफ अ डिक्टेटर।
1932 में अडॉल्फ हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया, सरकार में आया, उसने वो पावर बनके, नई शक्ति बनके जर्मनी में उभरा। एंड इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग अ डेमोक्रेसी, और हिटलर के शासन में आने के बाद से जर्मन के लोग डेमोक्रेसी नहीं बल्कि अब वो एक डिक्टेटर के रूल के अनुसार बुरी तरह से सफर कर रहे थे, दुखी थे। हिटलर ब्लेम्ड द ज्यूज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। हिटलर ने शासन में सत्ता में आते ही सबसे पहले उसने इल्जाम लगाया ज्यूज पे कि उस कंट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ज्यूज पीपल है। ऑटो रियलाइज्ड इट वॉज बिकमिंग अनसेफ फॉर हिज फैमिली इन जर्मनी एंड मूव देम टू द नीदरलैंड्स। हिटलर के सत्ता में आने के बाद से ये सारे परिवर्तन होने लगे। हिटलर रोज अपने स्टेटमेंट में कहने लगा कि जर्मनी की ये जो बहुत बुरी हालत है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ज्यूज रिलीजन के लोग हैं। और उसके इस रवैये से ऑटो दैट मीन्स एन फ्रैंक के फादर ने जल्दी ही ये महसूस कर लिया कि वो और उसके परिवार के लोग जर्मनी में अब ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे लोग नीदरलैंड नाम के एक नई जगह पे मूव कर गए, शिफ्ट कर गए। हे सेट एक कंपनी इन एम्स्टर्डम, ही सेट अप ए कंट्री कंपनी इन एम्स्टर्डम। नीदरलैंड मूव करने के बाद नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, वहां एन फ्रैंक के फादर ने अपनी कंपनी सेटअप की, वेयर द वुमेन यूज्ड टू मेक होममेड जैम। और उस फैक्ट्री में वुमेन्स होममेड जैम बनाया करती थी, वो एक जैम बनाने वाली फैक्ट्री थी। जैम पता है ना, वो ब्रेड में लगा के खाते हैं हम लोग, दिस इज अ एडिबल सब्सटेंस। द फैमिली वॉज सेफ फॉर अ वाइल बट देन इन 1940 द जर्मन इन्वेडेड द नीदरलैंड्स एंड बिगैन टू अरेस्ट एंड परसिक्यूट द ज्यूज देयर। थोड़े समय तक के लिए तो पूरा परिवार उस नई जगह पे सुरक्षित रहा, लेकिन फिर 1940 में जर्मन्स लोगों ने, जर्मन्स की सेना ने नीदरलैंड पे आक्रमण कर दिया और नीदरलैंड में एक एक करके चुन चुन के जितने भी ज्यूज लोग थे उन्हें अरेस्ट करना शुरू किया और उन्हें जेलों में डालने लगा। दे पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ज्यूज, उसने ज्यूज रिलीजन के लोगों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मेड देम वियर एन आइडेंटिफाइंग येलो स्टार ऑन देयर क्लोथ्स, उसने सभी जीविस लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया कि उन्हें अपने कपड़ों के ऊपर एक येलो कलर का स्टार लगाना पड़ेगा। वो येलो कलर का स्टार जीविस पीपल के लिए एक तरह का आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिसमें कि देखने के साथ जर्मनी की आर्मी पहचान जाए कि ये लोग जीविस हैं। दे कुड नॉट ओन अ बिजनेस, जीविस लोगों के ऊपर ये रूल बना दिया गया कि उनका अपना कोई बिजनेस नहीं हो सकता, वो मालिक नहीं बन सकते, ओनर नहीं बन सकते। दे कुड नॉट राइड अ बाइसाइकिल, साइकिल चलाने की भी उन्हें इजाजत नहीं थी। लाइफ बिकेम वेरी हार्ड, और जीविस लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। एंड द ज्यूज फेयर्ड फॉर देयर लाइव्स, और ज्यूस कैटेगरी के रिलीजन के जितने भी लोग थे अब उन्हें हमेशा अपने जान पे खतरा मंडराता हुआ महसूस होने लगा। मार्गट एन सिस्टर वॉज कॉल्ड टू रिपोर्ट टू अ वर्क कैंप इन जर्मनी, और इसी बीच वहां रहते हुए जर्मनी के एक वर्क कैंप में, यानी जहां काम करवाया जाता था, तो उस वर्क कैंप में एन फ्रैंक की सिस्टर मार्गोट के लिए कॉल आया कि तुम्हें अगले दिन से आकर के जर्मनी के उस कैंप में काम करना होगा। हिटलर ने रूल ये बना दिया था ना कि जितने भी लेबर, जितने भी मजदूरों वाले काम होते थे उसके लिए वो ज्यूस पीपल को पकड़ पकड़ के लाता था और उनसे जबरदस्ती काम करवाता था। द फैमिली हैड बीन प्लानिंग ए हाइडिंग प्लेस, तो एन फ्रैंक का पूरा परिवार कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था जहां वो लोग छुप सके। बट विथ मार्गट्स कॉल अप दे न्यू दे हैड टू हाइड इमिडिएटली, लेकिन अब जब मार्गट को उस कैंप में काम करने के लिए कॉल आ गया, बुलावा आ गया, तो पूरी फैमिली को महसूस होने लगा कि अब इस काम को जितना जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, यानी जल्दी से जल्दी छुपने के नए प्लेस पे उन्हें जाना पड़ेगा। एंड सो दे डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया। द डेट वॉज जुलाई 6, 1942, ये समय था जुलाई 6, 1942 का। द हाइडिंग प्लेस
केम टू बी नोन एज द सेक्रेट एनेक्स। और वो जो उनका छुपने वाला जगह था ना, उसका उन लोगों ने एक नेम रखा, कोड वर्ड, और उस जगह का नाम क्या था? सेक्रेट एनेक्स। इट वॉज लोकेटेड एट 263 प्रिंसिन ग्रैट, और वो छुपने वाली जगह 263 प्रिंसिन ग्रैट था। द फ्रैंक फैमिली वुड ऑक्यूपाई टू रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और उस नई छुपने वाली जगह में ये फैसला किया गया, डिसाइड किया गया कि फ्रैंक फैमिली को फर्स्ट फ्लोर के दो कमरों में छुपकर रहना है। ए वीक लेटर मिस्टर एंड मिसेस वैन पिल्स एंड देयर सन वुड मूव इनटू द टू रूम्स ऑन द सेकंड फ्लोर। फिर उसी बिल्डिंग में जहां एन फ्रैंक की फैमिली को छुपना था, उसके सेकंड फ्लोर पर रहने के लिए मिस्टर एंड मिसेस वैन पिल्स और उनके बच्चे आने वाले थे, उन्हें भी दो कमरा दिया गया सेकंड फ्लोर पे। फ्रॉम पीटर्स टिनी रूम दे कुड एक्सेस द एटिक वेयर फूड वाज स्टोर्ड, और पीटर के कमरे से होकर के वे लोग उस जगह पे जा सकते थे जहां पे खाने वाली वस्तुएं स्टोर की हुई थी। देयर वाज अ स्मॉल बाथरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा बाथरूम था। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज मेक अ कर्टन टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम सीइंग इनसाइड, और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो इन लोगों ने किया वो ये था कि सबसे पहले तो हर जगह पे कर्टन लगाना जिसमें कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सके। एज एट पर्सन फ्रिज फेफर एंड ओल्डर मैन ए डेंटिस्ट अराइव्ड इन नवंबर एंड शेयर्ड अ रूम विद एन। और इस तरह से वहां पे फिर एक आठवां आदमी भी छुपके रहने के लिए आया, उसका नाम था फ्रिज फेफर। वो एक ओल्ड मैन था और उसका काम था, उसका प्रोफेशन था, डॉक्टर था, वो डेंटिस्ट था। वो नवंबर में वहां आया और उसके रहने के लिए सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एन जिस कमरे में रहती है उसी कमरे में वो भी रहेगी। फादर वास्क्वेजी मेड ए मूवेबल बुककेस टू हाइड द डोर थ्रू विच दे एंटर्ड देयर क्वार्टर्स। अब वहां रहने वाला एक और भी आदमी था, फादर वास्क्वेजी, उसने क्या किया था, एक बुककेस बनाया था, किताब रखने वाली अलमीरा, वो मूवेबल था और उसे दरवाजे के ठीक सामने रख दिया जाता था जिसमें कि आने वाले को वो किताबों वाली अलमारी नजर आए और उसके पीछे का क्वार्टर्स में आने जाने वाला दरवाजा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े। देयर वर फोर पीपल हु हेल्प देम ड्यूरिंग द 2 ईयर्स एंड 30 डेज दे वर इन हाइडिंग। वहां पे 4 लोग और भी थे जो कि इन लोगों की मदद कर रहे थे छुप करके रहने में। उन लोगों ने लगभग 2 साल और 1 महीने वहां छुपे रहने में इन सारे लोगों की मदद की थी। उसका नाम था मेब जीज, विक्टर कगलर, जोहान्स क्लीमैन एंड बेब वास्क्विजल। तो ये 4 लोग थे, उन्होंने 2 साल 1 महीने इस पूरे ग्रुप का ख्याल रखा था जो कि उस जगह पे छुप के रह रहे थे। एंड एट ग्रेट पर्सनल रिस्क टू देयर ओन लाइव्स विजिटेड डेली एंड पुट आउट न्यूज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और हर रोज अपने जान का खतरा उठा करके वे सारे लोग, वे चारों लोग इन सभी से हर रोज मिलने आते थे और बाहर की दुनिया में होने वाले सारे न्यूज इन लोगों को सुनाया करते थे। द पीपल इन हाइडिंग हैड टू बी वेरी क्वाइट एंड वेन द वेयर हाउस वर्कर्स वेर एट वर्क डाउन स्टेयर्स। वहां पे जितने भी लोग छुप कर रह रहे थे उन्हें बड़ा शांत चुपचाप रहना पड़ता था तब तक जब तक कि काम करने वाले वर्कर्स नीचे काम कर रहे होते थे। दे कुड मूव अराउंड ओनली वेन द मेन हैड गॉन फॉर लंच। लोग तभी बाहर निकल सकते थे, ये छुपे हुए लोग तभी बाहर निकल सकते थे जबकि काम करने वाले सारे मैन या सारे मजदूर लंच के लिए जा चुके हों। एंड एट 5:30 इन द इवनिंग वेन द वर्कर्स लेफ्ट द बिल्डिंग, या फिर इन लोगों को शाम में 5:30 के बाद निकलना पड़ता था जबकि सारे वर्कर्स काम खत्म करके और बिल्डिंग से जा चुके होते थे। इन एंड द अदर्स वेर फ्री टू गो डाउन स्टेयर्स इन टू द ऑफिस एरिया, और जब सारे लोग चले जाते तो एन और दूसरे लोगों को नीचे डाउन स्टेयर्स में यानी सीढ़ियों से नीचे जाने का इन्हें फ्रीडम होता और जिसमें कि ये लोग ऑफिस एरिया में जा सकें और थोड़ा घूम सकें। एन कॉल्ड इट देयर नाइटली फ्रीडम। इस थोड़े से फ्रीडम को एन फ्रैंक नाइटली फ्रीडम कहा करती थी। द फ्रैंक्स हैड ब्राउट स्कूल बुक्स फॉर एन एक्सटेंडेड स्टे एंड लाइब्रेरी बुक्स वेर ब्राउट टू द ग्रुप वीकली। तो ये जो एन फ्रैंक्स की फैमिली थी, एन फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक, ये लोग अपनी किताबें
स्कूल किताब स्कूलों की किताबें अपने साथ लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। एंड लाइब्रेरी बुक्स वर ब्राउट टू द ग्रुप वीकली। और वे जो चार लोग हेल्प करने वाले थे वो लाइब्रेरी से किताबें ला करके इन लोगों को वीकली दिया करते थे। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग स्टडिंग वर्किंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस। और काफी सारा समय ये लोग वहां पे पढ़ते हुए स्टडी करते हुए और चिट्ठियां लिखते हुए बिताते थे। एन रोट इन हर डायरी। ये सारी बातें एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखी थी। सी क्रिएटेड एन इमेजिनरी फ्रेंड किटी विद हुम शी शेयर्ड हर इनरमोस्ट थॉट्स इन हर राइटिंग्स। उसने अपनी डायरी का एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया था किटी। अपनी डायरी का नाम उसने रखा था किटी, और किटी के साथ वो अपने मन की सारी बातें लिख करके और शेयर करती थी, यानी कि सारी बातें वो डायरी में लिखती थी। तो इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहां तक ही करेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे।